फॉलो करें फेसबुक और ट्विटर पर और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स लिंक को। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड नंबर 1 टी20 बैट्समैन बाबर आजम की कयादत में मैदान में उतरेगी। सीरीज के तीनों मैचेस की मेजबानी पाकिस्तान के तारीखी शहर लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम कर रहा है। इस स्टेडियम से कप्तान बाबर आजम की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। बाबर आजम बीते दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि 13 साल कबल 2007 में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान होने वाले टेस्ट मैच में वो बॉल पिकर की हैसियत से जिम्मेदारी निभा चुके हैं। बाबर आजम कहते हैं कि उन्हें ये 13 साल पुराना वाकया कल की बात लगता है। बाबर आजम कहते हैं कि वो टेस्ट मैच में इंजमामुल हक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, मिसबाहुल हक, ग्रेम स्मिथ, जैक कैलिस, हाशिम मामला और डेल स्टेन जैसे नामवर क्रिकेटर्स को देखने के लिए रोजाना घर से 3 मील पैदल चलकर गद्दाफी स्टेडियम पहुंचते थे। बाबर आजम कहते हैं कि क्रिकेट से मोहब्बत और अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को करीब से देखने की धुन ही ने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। अपने होम क्राउड के सामने बैटिंग के लिए मैदान में उतरने के तजर्बे के बारे में बाबर आजम का कहना है कि शायकी ने क्रिकेट का जोश और फलफला खिलाड़ियों की हौसला अफजाई का बायस बनता है। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के हवाले से बाबर आजम कहते हैं कि सीरीज में कयादत उनके लिए एक एहसास है। बाबर आजम का कहना है कि होम क्राउड के सामने पाकिस्तानी टीम की कयादत करना उनका बचपन का ख्वाब था जो अब हकीकत का रूप धार रहा है और वो इस सीरीज के लिए बहुत पुरजोश हैं। बाबर आजम कहते हैं कि सीरीज के लिए मुंतखब करता पाकिस्तानी टीम तजर्बाकार सीनियर्स और बासलाहियत नौजवान खिलाड़ियों का इम्तजाज है। बाबर आजम का कहना है कि शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज की सूरत में सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम के नौजवान खिलाड़ियों के लिए मुफीद साबित होगी। बाबर आजम कहते हैं कि अगरचे कौमी टी20 टीम को गुज़श्ता 9 में से 8 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा मगर उन्हें यकीन है कि पाकिस्तानी टीम टी20 फॉर्मेट की बेहतरीन टीम है। बाबर आजम पुरअज़म है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम टी20 फॉर्मेट में बेहतरीन नताइज देने की सलाहियत रखती है।